रेजिडेंसी। ब्रिटिश रेजिडेंट के रहने के लिए निर्मित यह भव्य इमारत मूलतः 3 मंजिला थी, जिसके कारण यह संपूर्ण परिसर रेजिडेंसी के नाम से विख्यात हुआ। पूर्व दिशा में स्थित मुख्य द्वार एक सुंदर पोर्टिको से सुशोभित था। पश्चिमी भाग में ऊंचे स्तंभों से युक्त एक चौड़ा बरामदा था तथा छत पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित 2 बुर्जियों में घुमावदार सीढ़ियां निर्मित थीं। इस भवन में अनेक ऊंची खिड़कियां थीं तथा इसकी छत इटालियन लोहे की छड़ों से सुरक्षित थी। इमारत के दक्षिणी भाग में गहरे तहखाने थे, जिनसे अंग्रेजों को लखनऊ की भयंकर गर्मियों में काफी राहत मिलती थी। 1857 की घेराबंदी के समय रेजिडेंसी के अंदर घिरी हुई यूरोपीय महिलाओं एवं बच्चों ने इस भवन के अंदर शरण ली थी। कर्नल पामर की बेटी सुजन पामर यहीं पर घायल हुई थी। 2 जुलाई 1857 को सर हेनरी लॉरेंस यहीं पर भारतीय सिपाहियों की गोलियों से बुरी तरह घायल हुए थे। वर्तमान में मॉडल कक्ष के रूप में प्रयुक्त होने वाले एनेक्सी भवन में ही 1857 स्मृति संग्रहालय स्थापित है। इस संग्रहालय में 1857 से पूर्व की स्थिति दर्शाता हुआ रेजिडेंसी परिसर का मॉडल, लिथोग्राफ, उत्खनित वस्तुएं, रेजिडेंसी की घेराबंदी का डायोरामा तथा अन्य संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। बेलीगारत द्वार। बेलीगारत द्वार का निर्माण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में नवाब सादत अली खान ने लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बेली के सम्मान में कराया था, इसलिए यह बेलीगारत या बेलीगार्ड गेट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भोजशाला। भोजशाला भवन का निर्माण नवाब सादत अली खान ने करवाया था। संपूर्ण परिसर में संभवतः यह सबसे भव्य इमारत थी, जिसके शानदार कक्ष तथा प्रशस्त सभागार कीमती झाड़ फानूसों, आईनों तथा रेशमी दीवान से सुसज्जित थे। यहां नवाब के सम्मान में दावतें आयोजित की जाती थीं। सभागार में कीमती फर्नीचर के साथ ही उच्च कोटि की कारीगरी की गई थी। प्रथम तल पर गचकारी द्वारा निर्मित भट्टी के अवशेष अभी भी संगमरमरी आभा देते हैं। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित क्षतिग्रस्त फव्वारा काले और सफेद संगमरमर की कलात्मक पच्चीकारी का अद्भुत नमूना है।
बेगम कोठी। मूलतः नवाब आसफुद्दौला के स्वामित्व वाली बेगम कोठी को कालांतर में कुछ यूरोपीय लोगों को बेच दिया गया। उन्होंने यहाँ यूरोपीय वस्तुओं का व्यवसाय प्रारंभ किया। बाद में यह भवन बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की विलायती बेगम मगदर आलिया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सौतेली बहन शरफुन्निसा का निवास रहा, जिसने यहाँ परंपरागत अवधि स्थापत्य शैली में एक इमामबाड़े तथा मस्जिद का निर्माण करवाया। डॉक्टर फेरर का घर। यह भवन रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 की घेराबंदी के समय अस्पताल के रूप में प्रयुक्त हुआ। बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहां लाया गया तथा इलाज के दौरान 4 जुलाई 1857 को उन्होंने यहीं पर अंतिम सांस ली। कोषागार 1851 ईस्वी में 16,897 रुपए की लागत से निर्मित यह एक तली भवन सादे दोहरे स्तंभों पर आधारित था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को एनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग किया गया था। सेंट मेरी चर्च और कब्रिस्तान। इस चर्च को सन 1810 में गोथिक शैली में निर्मित किया गया था, जिसके मात्र 2 से 3 फीट ऊंचे अवशेष ही अब विद्यमान हैं। इसके चारों तरफ एक कब्रिस्तान है, जिसका प्रथम उपयोग 1857 की घेराबंदी के समय ही हुआ। इस दौरान मृतकों को अत्यधिक संख्या के कारण उन्हें चर्च के पास की भूमि में प्रायः मृतक संस्कार किए बिना ही एक छोटी सी प्रार्थना करके दफना दिया जाता था। चर्च का उपयोग घेराबंदी के समय अन्नागार के रूप में भी हुआ। इसके दक्षिण में एक बूचड़खाना, भेड़ घर तथा तत्कालीन वित्त आयुक्त गोबिन का घर, रैकेट कोर्ट आदि स्थित थे।